हैं पर आप लेकर जेट तक अल्फाबेट है, ओके? प्लीज यूनिवर्स गाइड करें, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू डिवाइन, थैंक यू। मेरे व्यूअर्स के लिए क्या मैसेज है, कैसा रहने वाला है ये मंथ? ओके, हमें अपने कार्ड मिल चुके हैं, 5 of cups, 7 of cups, 9 of wands, 2 of swords, ओके, और 5 of swords और 10 of pentacles, ओके। देखिए 5 of cup का कार्ड यह नुकसान के बारे में बता रहा है। काले रंग की छवि दिखाई दे रही है आपको, यह पीड़ा और दर्द लिए हुए है। यह दुख, पछतावा और नुकसान से जुड़ी भावना को दर्शाता है। देखिए 9 of wands का कार्ड, जो चीजें थी आपने उन्हें खो दिया, रिश्ता तोड़ने और प्यार से वंचित को भी दर्शाता है ये कार्ड। पुराने चल रहे इशू का एंड होगा, रिबर्थ होगा। जो चीजें बंद पड़ी हैं उनको गति देना होगा आपको। देखिए एफर्ट डालने पड़ेंगे रिलेशन में, सॉरी भी बोलना सीखो आप। आप किसी बात से डिस्टर्ब होंगे, कुछ छिपी हुई बातें उजागर होंगी। आपका सामना ऐसे पर्सन से भी होगा कि आपका गुस्सा 7वें आसमान पर हो। अपने को कंट्रोल रखना है, अग्रेसिव नहीं होना, ईगो को साइड में रख दें, अनबैलेंस ना हो। कहते हैं ना, समुद्र में एक लहर सबके नाम की आती है, तो कोई तो उसको पकड़ लेता है और किसी को पकड़ना ही नहीं आता। तो 5 सेकेंड ये मैसेज आपके लिए। इस समय डिवाइन आपको राइट पाथ दिखा रहे हैं, आप कंफ्यूज ना हो किधर जाऊं। देखिए आप कंफ्यूज होके खड़े हुए हैं, मैं किधर जाऊं किधर नहीं जाऊं। क्लियर रीडिंग, एक ब्यूटीफुल बॉन्ड के साथ आप रिलेशन बिल्ड करोगे, नए रिश्ते मिलेंगे जिसमें आप भी अपने लाइफ के टास्क पूरे करते नजर आ रहे हो। पर 2 choices हैं आपके सामने, उनको बैलेंस करो।
तो ये थी सेकंड पाइल की रीडिंग। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। स्टे ब्लेस्ड, गॉड ब्लेस।